कोई योगी सरकार में मंत्री रहा तो कोई मेयर, जानिए कौन है ये लोग जिन्हें बीजेपी ने थमाया राज्यसभा का टिकट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ कोमल तिवारी। राज्यसभा के लिए होने वाले आगामी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान किया है। बीजेपी ने बिहार से धर्मशीला गुप्ता और डॉक्टर भीम सिंह, छत्तीसगढ़ से राजा देवेंद्र प्रताप सिंह, हरियाणा से सुभाष बराला, कर्नाटक से नारायणा कृष्णाशा भंडगे, उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट और पश्चिम बंगाल से शामिक भट्टाचार्य को भी पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। जबकि बीजेपी ने यूपी से सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, चौधरी तेजवीर सिंह, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, संगीता बलवंत और नवीन जैन को उम्मीदवार बनाया है। तो चलिए अब आपको इन उम्मीदवारों के बारे में बताते हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के तेज तरारा प्रवक्ता है और जाति से ब्राह्मण है। लखनऊ से ताल्लुक रखने वाले सुधांशु त्रिवेदी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी है। वह राजनाथ सिंह के राजनीतिक सलाहकार भी रह चुके हैं। रतनजीत प्रताप नारायण सिंह यानी आरपीएन सिंह कुशीनगर के सैथवार राज परिवार से आते हैं। 1996 से 2009 तक वह यूपी से विधायक रहे। चौधरी तेजवीर सिंह जाट बिरादरी से आने वाले तेजवीर सिंह को भी बीजेपी ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। वह 1996 से 1998 और 1999 में तीन बार मथुरा से लोकसभा सांसद रहे। चंदौली की मुगल सराय सीट से पूर्व विधायक साधना सिंह को भी बीजेपी ने राज्यसभा को का टिकट दिया है। साधना सिंह राजपूत समुदाय से आती है। संगीता बलवंत गाजीपुर से विधायक और पूर्व मंत्री रही है। निषाद समाज से आती है। उनको जमीनी राजनीति करने वाली नेत्री माना जाता है। यूपी से जिन सात नेताओं का बीजेपी ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया है उनमें नवीन जैन का नाम भी शामिल है। जैन आगरा के पूर्व मेयर और सांसद रह चुके हैं। उन्हें यूपी के बेहद अमीर नेताओं में गिना जाता है। अमरपाल मौर्य बीजेपी के महामंत्री और कोयरी समुदाय से आते हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में उनको ऊंचाई हार से शिकस्त मिली थी। डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता बिहार में बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है। धर्मशील गुप्ता दरभंगा के डॉक्टर नरेंद्र झा महिला विश्वविद्यालय में पॉलिटिक्स साइंस की टीचर है। डॉक्टर भीम सिंह राज्यसभा के लिए बीजेपी ने डॉक्टर भीम सिंह पर भी दाव लगाया है। भीम सिंह चंद्रवंशी कहार जाति से आते हैं। लालू यादव से लेकर नीतीश दोनों के साथ काम कर चुके हैं। बीजेपी ने राजा देवेंद्र प्रताप सिंह को भी राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। देवेंद्र प्रताप सिंह गोंड अनुसूचित जनजाति समुदाय से आते हैं। उनके पिता सुरेंद्र प्रताप सिंह का बतौर विधायक 2 दशक का कार्यकाल रहा। सुभाष बराला जाट समुदाय से आने वाले सुभाष बराला किसान नेता है और हरियाणा राज्य सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन भी। साल 2022 में महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ सीट से चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। शामिक भट्टाचार्य बंगाल की बसीरहाट दक्षिण सीट से हाल 2014 से 2016 तक सदस्य रह चुके हैं। साल 2020 से बीजेपी बंगाल के प्रवक्ता हैं।